हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गोगी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली यहाँ पर रियल मी 2 प्रो ने मैंने परचेज किया हूँ। ये देखिए रियल मी 2 प्रो, और लेफ्ट और राइट रियल मी 2 प्रो लिखा हुआ है, और ऊपर कुछ नहीं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। और कैमरा देखिए 16+2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, उसके बाद फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल कैमरा, उसके बाद 5.3 इंचेस का डिस्प्ले है। इसका जो MRP है 14,990, लेकिन ये मिलता है 13,990 में, और ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसमें कोई फ्लैश हल्का वगैरह कुछ भी लफड़ा नहीं है। और पीछे देखिए, साथ में पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है Realme 2 Pro Black Sea। तो ये देखिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए अभी हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, बॉक्स ओपन करते ही हमें और एक बॉक्स मिल जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ रियलमी, और इसके अंदर आपको मिल जाता है, ये देखिए, एक केस कवर है, ट्रांसपेरेंट TPU केस। काफ़ी अच्छा है, बढ़िया लुक है, और देखने में काफ़ी अच्छा लुक जुल जाता है। और कुछ ये इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि क्विक गाइड, स्टार्ट गाइड वगैरह। और अभी हम आते हैं अपना जो मेन कंटेंट है, वो है फ़ोन के तरफ। तो फ़ोन को एक बार हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, फ़ोन ब्लैक में काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे फ़ोन अभी फ़िलहाल के लिए। तो एक बार हम इसे बूट अप करते हैं और साइड में रख देते हैं। तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या मिलता है देखते हैं। बॉक्स में हमें मिल जाता है एक चार्जर अडाप्टर, रेटिंग है उसका, जो रेटिंग वो है देखिए 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। उसके बाद आपको जो नॉर्मल USB केबल मिल जाती है, तो बस ये देखिए USB केबल है इसके अंदर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है इसके साथ साथ, तो निकाल के दिखाते हैं ये भी हम आपको। तो ये देखिए, सिम इजेक्शन टूल भी है यहाँ पर। तो ज़्यादा बस कुछ नहीं है। तो अभी हम फ़ोन को यहाँ पर स्टार्ट कर चुका हूँ, फ़ोन को मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से फ़ोन देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी हम ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका। तो फ़ोन का जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है, लुक वगैरह बढ़िया अच्छा है, और ब्लैक कलर में मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ़ोन। और इससे भी अच्छा जो मैंने इससे पहले एक अनबॉक्सिंग किया है उसका, जो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर कार्ड में लिख दे दूँगा, तो वो है आइस लेक, वो भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर देखिए, वैसे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है, उसके अंदर आपको मिल जाता है कैलकुलेटर, और जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर का, एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और अभी हम सीधा से जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बता देते हैं, मोबाइल सेटिंग्स में ये देखिए अबाउट सेक्शन में जाते हैं, अबाउट फ़ोन में जाते हैं। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको देखिए मॉडल नंबर, उसके बाद है कलर OS 5.2, एक अपडेट भी आया है मेरे को, बाद में अपडेट करके मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो चुका है बोलकर। और जो एंड्रॉयड का जो वर्शन है वो है 8.1 ओरियो, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो सिक्योरिटी पैच है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, सेप्टर 5 का सिक्योरिटी पैच है यहाँ पर, ये देखिए आपको देख सकते हैं सेप्टर 5 का सिक्योरिटी पैच है। उसके बाद 64 GB से 46 GB अवेलेबल मिल जाता है। और जो रैम है वो है रैम इसका 4 GB। ये 4 GB में कितना मिल जाता है लेकिन वो तो मुझे अभी तक पता नहीं है। तो मैं भी नया यूज़र हूँ इसके लिए, तो देखता हूँ, कलर वाइज फर्स्ट बार यूज़ कर रहा हूँ। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम खत्म करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेता रहूँगा।